हर बार हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं। ये बॉलीवुड के जो हैं, इनका हम लोग ने प्रतीकात्मक पुतला फूंका है। ये टोटल फैशन है, औरंगजेब के खानदान के हैं सब। हिंदू देवी देवताओं का एकदम घोर अपमान है, इसलिए हम लोग इसका विरोध। ये जो बॉलीवुड के हैं, ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, आप सबको मालूम है। आज हम लोग वाराणसी में इन का, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ पहुंचाया है, हर बार हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, इन्हीं को रावण रूपी जो भालीवाट, ये बॉलीवुड के जो हैं, इनका हम लोग ने प्रतीकात्मक पुतला फूका है। इनको हम लोग ने रावण रूपी मानकर इनको फूकने का कार्य किया है वाराणसी में। ये बताइए कि बॉलीवुड में हिंदुओं की आस्था को एक तरीके से ठेस पहुंचाना एक फैशन बन गया है क्या? ये फैशन है सर, एकदम ये टोटल फैशन है। देख नहीं रहे, एकदम इसे लग रहा है कि औरंगजेब के खानदान के हैं सब, अक्रांता लग रहा है एकदम टोटल। अरे भाई, वो तो कलाकार है, वो तो अपनी बातें रख सकते हैं, इसको इतनी बात किसी से लेने की क्या बात है? किसी धर्म को टारगेट न किया जाए ना, किसी धर्म को टारगेट मत करिए आप, ये तो गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक फैशन बन गया है? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का फैशन है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके। यदि इनकी हैसियत है तो किसी और मजहब, किसी अन्य धर्म की भावनाओं से क्यों नहीं खिलवाड़ करते हैं? आप बताइए, आप लोग जागरूक हैं सब लोग, ये मजबूरी में किया जाता है। जब देखिए तब हनुमान जी को टारगेट बनाएंगे, राजा रामचंद्र जी को बनाएंगे, ये क्या मतलब है? ये सब है बॉलीवुड के, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आदि पुरुष जो फिल्म आई है उसको लेकर, उसको आप लोगों क्यों विरोध कर रहे हैं उस फिल्म को लेकर? सर, उसका जो मेन मकसद है ना, वो फिल्म के मकसद से हट के है, ये धर्म पर बनाया गया है, धर्म के नाम पर एक गलत विरोध, गलत चीज है। क्या आप लोग का विरोध क्या है? हमारा विरोध ये है कि ये जो सैफ अली खान आदि पुरुष में जो रोल किए हुए हैं, इसमें ये रावण का रोल किए हुए हैं। रावण में जो सभ्यता थी, विक्रांत एकदम अच्छे से वो पंडित थे, इसमें क्या है कि इनके बाल छोटे हुए हैं और खिलजी की तरह ये दाढ़ी रखे हुए हैं, जनेऊ धारण नहीं किए हुए हैं, और रावण पुष्पक विमान से चलते थे, ये क्या है कि एक राक्षस पे चल रहे हैं। तो ये हिंदू देवी देवताओं का एकदम घोर अपमान है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। बॉलीवुड फिल्मों को लेकर विरोध की आंधी अब बनारस तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से बॉलीवुड में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं को कुठाराघात किया जा रहा है, अब उसके खिलाफ जो लोग हैं, जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, वो अब सड़कों पर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि अब जो बॉलीवुड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका दहन किया जा रहा है। आज क्योंकि आज विजयादशमी का दिन है, असत्य पर सत्य की जीत का दिन है, रावण का दहन किया जाता है, ऐसे में जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो आज बॉलीवुड के कलाकारों का दहन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर किस तरीके का गुस्सा है, और शायद यही कारण है कि लोग अब आज के दिन जब रावण का दहन किया जाता है, ऐसे में लोग अब बॉलीवुड के जो रावण हैं उनका दहन कर रहे हैं। तो जो गुस्सा है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि किस रावण की भूमिका में दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है, सैफ अली खान जिनकी फिल्म को लेकर अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ उसी तरह अजय देवगन की जो फिल्म थी थैंक्स गॉड उसको लेकर है, आमिर खान है, इसके अलावा आमिर जोन है। तो ये जो कलाकार जो लगातार इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी है बॉलीवुड फिल्मों को लेकर, अब उसको लेकर विरोध है। हमने देखा था कि इसके पहले फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर भी कुछ इसी तरीके का जो विरोध देखने को मिला था, लोगों में एक बायकॉट का एक नारा चला था, और देखते ही देखते उस बायकॉट ने पूरी फिल्म को धराशायी कर दिया। और कुछ वैसा ही अब आदि पुरुष जो फिल्म है सैफ अली खान की, उसको लेकर है, खास तौर से जो कलाकार और किरदार दोनों को लेकर है, और उसी के खिलाफ जो लोग हैं वो अब अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, और आज कुछ इस तरीके से उनका दहन भी कर रहे हैं।